भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास ट्वेल्थ की अकाउंटिंग में जो हमने कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पर हैं डी के गोल्जर की बुक से, क्वेश्चन नंबर 21 अब तक कर चुके हैं। और जो टॉपिक चल रहा था वो ये चल रहा था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब सर, जब नया पार्टनर आएगा तो पुरानों को सेक्रीफाइस कर जाएगा, और जो जो सेक्रीफाइस होंगे पार्टनर, वो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, उन्हें क्रेडिट किया जाएगा। तो कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा और किस रेशियो में क्रेडिट किया जाएगा, ज़रा विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम स्टार्ट कर रहे हैं कहानी आज की। पी एंड क्यू दो पार्टनर है साहब, फटाफट से इनके नाम लिख लो कहीं भूल ना जाएं, जिनका रेशियो है 2:3, मतलब 2/3 और 1/3, ये इज्जत से बांटा करते हैं। ये आर भाई को ले आए पार्टनरशिप में, और यहीं लिख लेते हैं बेटा सारी बातें। ये आर भाई को ले आए पार्टनरशिप में, बोल रहे हैं 4/9 शेयर 13। मतलब व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिविन, अब देखते हैं अगर एडिशनल कंडीशन नहीं होती है तो कौन से रास्ते पर जाएंगे बेटा, पार्ट ए में। पार्ट ए क्या बोलता है आपको, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 मान लो, इसको माइनस कर दो, ऐसा बोलता था ना, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। इक्वली मतलब इसके दो टुकड़े, ये बेटा सब रबर के आपको पूरी स्क्रीन बताने के लिए, दो टुकड़े करेंगे। अच्छा सर, एडिशनल कंडीशन गिवन है, पार्ट बी लगेगा, दो टुकड़े करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई देन डिडक्ट। इसके बाद आर ब्रिंग्स 2.5 लाख एज कैपिटल एंड 1 लाख एज गुडविल, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि हमें निकालना है तो वर्किंग नोट का पार्ट नहीं बनेगा। दोस्त, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखूं या ऐसे चलने दो, देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहले बेटा न्यू पार्टनर शेयर का शेयर क्या है, आर्स न्यू पार्टनर शेयर बराबर 4/9, ठीक है। इक्वली मतलब आधा आधा या बराबर, इक्वली मतलब आधा आधा, इक्वली सेक्रीफाइज्ड बाय पी एंड क्यू। सेक्रीफाइज्ड और सरेंडर वर्ड से ये तो नहीं बोल रहे हो कि पार्ट एफ लगेगा, नहीं लगेगा, 4/18। ये बेटा पी और क्यू से छीन लिया जाएगा तब इसके खाते में जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना, जो बच्चे अब तक क्वेश्चन नहीं करके हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा, जो इंटेलिजेंट जीनियस बच्चे हैं साथ साथ चलते हुए आए हैं मेरे, उनको तो यहीं से सेक्रीफाइजिंग रेशियो का भी अंदाज़ा लग चुका होगा, मैं आंसर नहीं बताऊँगा अभी। पी इज़ न्यू शेयर कैसे निकालते हैं दोस्त हम, ओल्ड क्या था भाई, पुरानी बात बताओ, और कितना देना है हमें भाई, मेरे पास 500 हैं, 200 इस भाई को देने हैं, 300 बचेंगे बेटे, 6 यहाँ आएगा, 6 × 2 = 12 में से 4 गए बेटा 8/18। क्यूज़ न्यू शेयर, इसमें क्या करेंगे बच्चे, ओल्ड शेयर जो भी होगा 1/3 माइनस, अगेन कितना हटा दूँ, 4/18। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है सर, 18 यहाँ आएगा, 6 × 1 = 6 2/18। सबको आमने सामने लेकर आओ, न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर कैसे कैसे लिखेंगे, ये है बेटा न्यू रेशियो, 8/18, 2/18, और कोई मुझे क्यू आर का रेशियो बताएगा, 4/9। याद है ये रहा बेटा, ये रहा आर का रेशियो, ये रहा यहाँ भी लिख रखा है मैंने, हाँ जी साहब, 8 × 2 = 10 × 8 = 18, यानी 4:1:4 आ गया आपका रेशियो, 4:1:4 आ गया आपका रेशियो। ये है आपका न्यू रेशियो। सेक्रीफाइजिंग कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें उसी की ज़रूरत है जनरल एंट्रीज के लिए। सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पी इज सेक्रीफाइस। पी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो पी का ओल्ड कितना था बेटा 2/3। दिखाऊं मैं आपको, ये रहा। और क्यू का भी लिख लो ऐसे ही। फिर इसमें से क्या घटा दूंगा मैं, इसमें से सर आप न्यू वाला घटा दीजिए, इसमें से सर आप न्यू वाला घटा दीजिए, ये रहा न्यू और ये रहा न्यू। यहाँ से उठा रहा हूँ बेटा 4/9 और 1/9। एलसीएम ले लेंगे 9, 3 2 6, 6 में से 4 गए 2/9, 3 1 3, 3 में से 1 गए 2/9। सर ये तो इक्वल ही आ गया बेटा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। यही हमें वर्ड क्या मिल गया था, क्या मिल गया था, इक्वली। याद होगा आपको मेरे कुछ ट्रिक्स, और मेरी क्या ट्रिक्स थी वो आप खुद क्वेश्चन करते करते खुद पहचान जाओगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस क्वेश्चन और प्रैक्टिस ही हमें सही चीज़ सिखा देगी। मतलब सर आपने जिस अंदाज में बोला था कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बड़ा बेहतरीन है, बड़ा ज़रूरी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी थी, तो एक तरीके से सारी चीज़ें चेन की तरह कनेक्ट है। अगर हमें वो नहीं आता तो हमें ये भी नहीं आएगा, और अगर हमें ये नहीं आता तो शायद आगे की बात भी नहीं आएगी। और हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है हम 1, 2 और 3 कर रहे हैं बेटा, 1, 2 और 3। अब 3 तो बहुत सरल है, 3 में करना ही क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके सामने इक्वली 1:1। दो जनरल एंट्री पास कर दूँ, जनरल एंट्रीज में किन बातों का ध्यान रखना है बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में किन बातों का ध्यान रखना है, गुडविल का अमाउंट कितना है, कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है, हमारे क्वेश्चनों में तो ला रहा है अभी तक, ब्रिंग्स इन कैश दोनों चीज़ें, गुडविल का पैसा ला रहा है। दूसरी बात, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, पी और क्यू है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, और जनरल एंट्रीज चलिए फटाफट से पास कर दी जाती। कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए बेटा, 250,000 रुपये, 250,000 रुपये बींग कैश ब्रॉट बाई कैपिटल ब्रॉट, यार कैपिटल ब्रॉट बाई आर या न्यू पार्टनर जो चाहे वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि रिटेन करना है या विड्रॉन करना है, सर नहीं लिखा है, और जब ऐसी बातें नहीं लिखी होंगी तो आप उसे रिटेन मानेंगे, और रिटेन करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ यहाँ से पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, किन के में, पी के में और आर के में, बींग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल सेम है बेटा, सिर्फ इसको छाप रहा हूँ मैं, ब्रॉट बाय आर। समझ में आ गया बेटा, आ रहा है सब। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट कितना, 1,80,000। सर एक बात और हमें पूछनी थी आपसे, एक बात और पूछनी थी कि आपने एक बात बताई थी कि मैं गुडविल ऑफ द फर्म दिया हो तो मैं उसका हिस्से का शेयर लेना, सिर्फ उसी को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लेना है, बाकी को लेना नहीं। तो बेटा अब तक हमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें इन्हीं का हिस्सा दे रहा है, देखो बोलो ना, आर बिडिंग्स इन कैश 2.5 लाख कैश कैपिटल एंड 1,80,000 गुडविल, बताइए अपने हिस्से की ला रहे हैं, ज़्यादा गुडविल नहीं रहा है। जहाँ गुडविल हो तो फर्म हो वहाँ आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। मैं 1/4